वादी को भेजा है, जवाब दिया है बहन मेरी, छोटी बहन को उतार के लाओ। आज सौती बहन के पास में पहुंची है, सौती बहन का नाम लिया है, और जैसे ही सौती बहन का नाम लिया सुरची को ये सब कुछ पसंद नहीं हुआ। सुरची ने जवाब दिया है कि क्या तुम्हारे घर में दूसरी पत्नी है, और दूसरी पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। वहां से चलती है, सुनीति को मालूम हुआ है तो सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, हे बहन मैं तो इस घर की बांदी हूँ और तुम मेरे साथ घर चलो। बहन ये सब राजपाठ तुम्हारा है, मेरा नहीं है, और इस राज की मालकिन तुम हो। बहन सुबह शाम दो रोटी दे देना, तेरी टहल बजाऊंगी, तेरे लाल को खिलाऊंगी, और जो तू कहेगी वही करोगे। जब इतनी बात सुनी है तो सुरची को और ज्यादा क्रोध आया और कहा तू मेरे बच्चों को खिलाएगी न जाने गला घोट के कब मार देगी, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसी घर से बाहर निकल दो, तुम तुम्हारे घर में रहोगे। जैसे ही कहा तो आज सुनीति से धैर्य धारण नहीं हुआ, और सुनीति जब रोने लगी है, जैसे ही रोने लगी है तो आज राजा उत्तान पाद कहने लगे, सुनीति रो ना रो ना। तब राजा आज सुनीति से बोले, we'll be right back.